हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं कविता, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सीखेंगे हम अपनी पुरानी साड़ी से इस अनारकली को बनाना। आप देख ही सकती हैं इसका लुक कितना प्यारा आ रहा है। और ये जो साड़ी थी वो जॉर्जेट की साड़ी थी, इस पे जो बॉर्डर था ये पूरी साड़ी पे था, बॉर्डर पल्लू पे और मतलब पूरे बॉटम पे। ये इसका फाइनल लुक है साड़ी का, जो पूरा ड्रेस है बनने के बाद का। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक ड्रेस बनाने में। चलिए कटिंग और स्टिचिंग शुरू कर लेते हैं। आज की वीडियो में सीखेंगे हम इस ब्यूटीफुल साड़ी से बहुत ही प्यारा सा एक गाउन बनाना। आप देख ही सकती हैं साड़ी में जो ये डिज़ाइन दिया हुआ है ये बहुत ही प्यारा है। इसको हम नीचे बॉटम पे लेंगे और ये हमने लाइनिंग ली है। इसके लिए टोटल हमने 4 मीटर लाइनिंग ली है, तो इसी लाइनिंग का हम टॉप पार्ट और नीचे घेरे में यूज़ करके एक प्यारी सी ड्रेस आपको बना के दिखाएंगे। कुछ पार्ट्स में इस तरीके के मतलब लाइन है जो साइड में जाता है साड़ी के, और बाकी पूरे पार्ट्स में पल्लू से लेके वहाँ तक ये वाला पार्ट है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि इस फैब्रिक को बिल्कुल अलग करेंगे ये बॉर्डर वाले को, क्योंकि हम इसको अम्ब्रेला में कट करेंगे तो फिर ये हमारा डिजाइन है वो कटेगा। तो इसीलिए पहले मैं इसको कट कर लेती हूँ। अभी देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्या किया है कि जितनी भी साड़ी थी, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं लेस को सबको अलग कर लूंगी, तो ये लेस मैंने इसमें से कट कर ली है आधा इंच मार्जिन रख के, ताकि हम इसे लगाएं तो ये फैब्रिक हमारा यूज में आ जाए, लेस वाला हिस्सा सिर्फ दिखाई दे। तो ये हमारी पूरी जो लेस है वो निकाल दी है, ये साइड की थी, इसको हम स्लीव्स वगैरह में यूज कर लेंगे। तो अभी इसको साइड में कर देते हैं। सबसे पहले टॉप पार्ट की कटिंग करते हैं। तो जो हमने अस्तर लिया है उसी को हमने 4 फोल्ड करके रखा है। ये देखिए जितना अस्तर चाहिए हम उतना ही रखेंगे। तो कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में यानी कि 4 तह में है। तो सबसे पहले हम लेंथ देखेंगे, इसी को रख के हम अपने मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे। जिस टॉप पार्ट की तैयार लेंथ रहेगी 15 इंच, तो हम निशान लगाएंगे 16 इंच पे, 1 इंच का हम मार्जिन लेंगे इसमें, और इस निशान को हम इस तरीके से सीधा कर देंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा बच जाएगा। चौड़ाई में हमने ब्रेस के अकॉर्डिंग ही रखा है फैब्रिक। अब यहाँ से हम अपना शोल्डर लेंगे 7 इंच पे, क्योंकि पीछे से हम ज़्यादा डीप नहीं करेंगे गला। यहाँ से आर्म होल हम 7 इंच पे लेंगे। यहाँ से ब्रेस्ट साइज है 36 का चौथा हिस्सा आता है 9 इंच, 9 में 2 इंच एक्स्ट्रा, तो 11 इंच पे हम निशान लगा देंगे। यहाँ से कमर का भी चौथा हिस्सा लेना है, जितना भी आपका कमर साइज है उस हिसाब से 4 से डिवाइड करके उसमें आप 2 इंच मार्जिन ले लीजिए। तो मैं यहाँ से ले रही हूँ 10.5 इंच, क्योंकि इसमें प्लेट्स भी डालेंगे। दोनों पॉइंट्स को एक दूसरे से हम इस तरीके से मिलाएंगे। यहाँ से हम 1 इंच का इस तरीके से राउंड शेप देंगे, ताकि यहाँ पे कोने ना लटके। यहाँ से आर्म बैक आर्म होल की ही शेप देंगे, अभी फिलहाल कटिंग कर देंगे इसकी। जैसे ड्राफ्टिंग कर रखी है उससे के अकॉर्डिंग ही हम कटिंग करेंगे। इसी को रख के टॉप पार्ट की भी कटिंग, जो मेन फैब्रिक है उसकी भी कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग हो गई है। मैंने इतना ही जितना मुझे चाहिए उतना ही मैंने ये जॉर्जेट फैब्रिक भी ले लिया है। बाकी के फैब्रिक से हम अपनी स्लीव्स और घेरा कट करेंगे। तो इसको भी हम इस तरीके से 4 तह में करके बिछाएंगे और इसके ऊपर अपना अस्तर रख लेंगे और कटिंग कर देंगे। अभी देखिए फ्रेंड्स, मैंने अस्तर और मेन फैब्रिक को कट कर लिया है। दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के पिनअप कर लेंगे, ताकि सिलाई करने में आसानी हो। दोनों पार्ट्स को हम ऐसे पिनअप कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने टॉप पार्ट जैसे आपको दिखाया था अस्तर के साथ मैंने स्टिच करके, और मैंने इसमें वी नेक, सिंपली जो वी नेक होता है वो बना लिया है। चौड़ाई 3.5 इंच ली थी, लंबाई हमने 8 इंच ली है। लेकिन अभी ये बहुत सिंपल सा लग रहा है, क्योंकि साड़ी तो काफ़ी हैवी थी। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये बॉर्डर है इसको हम इस तरीके से इसमें स्टिच करेंगे, ये देखिए यहाँ से, ताकि हमारा जो घेरा है उसका भी लुक अच्छा आए। और क्योंकि घेरे पे तो ये बॉर्डर लगेगा ही पूरे पे, तो मैं इसको सिर्फ और सिर्फ एक साइड को दूंगी। आप चाहें तो इस तरीके से भी दे सकती हैं, मतलब ऐसे अंगरखा टाइप में भी, लेकिन उसमें ये थोड़ा सा मतलब वो देखेंगे बाद में डिजाइन लगाने के बाद में, और इस पर सिंपली सिलाई लगेगी। तो ये तो हो गया हमारा फ्रंट पार्ट, ठीक है। और ये बैक पार्ट है, बैक पार्ट का गला भी मैंने
मतलब 3.5 इंच चौड़ाई ली थी और 5 इंच लंबाई ली थी। इसको भी सिंपल ही मैंने सिल के और मतलब रेडी कर लिया है। अब इसका नीचे का घेरा हम रेडी करेंगे। तो घेरे के लिए हमारे पास स्लीव्स के लिए मैंने कपड़ा इसमें से बेल स्लीव्स बनाऊंगी मैं, पाकिस्तानी स्लीव्स होती हैं जो, तो वो कपड़ा हमने लिया है। सबसे पहले कपड़े को हम 4 फोल्ड में अच्छे से करके बिछाएंगे। अभी देखिए फ्रेंड, जितना भी फैब्रिक है उसको मैंने 4 तह में बिछा लिया है, मतलब पूरा साड़ी का बॉर्डर वगैरह सब कुछ निकालने के बाद इसकी जो लेंथ हमारे पास बची है वो मैं आपको दिखाती हूँ, वो कितनी बची है मेरे पास। तो ये हमारे पास बची है इसकी लेंथ 39 इंच। वैसे साड़ी की ज़्यादा ही थी क्योंकि 4 इंच का तो इसमें से बॉर्डर ही कट हो गया, तो फिर जोड़ की ज़रूरत नहीं थी। तो हम देखिए कोई भी कोना पकड़ लेंगे, ये कोना पकड़ेंगे और इसका एक ट्रायंगल बनाएंगे इस तरीके से। अभी ये कपड़ा हो गया हमारा 8 फोल्ड में और इसको अच्छे से बराबर कर लेंगे। बराबर करके इसे सेट कर लूंगी पिन लगा के। तो देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से ट्रायंगल बनाने के बाद अब आपकी कमर का देखिए, जैसे अगर हम इसे 4 फोल्ड में रखते तो कमर का चौथा हिस्सा हमें निकालना पड़ता। जैसे मेरी मान लीजिए कमर है 33, तो 33 का चौथा हिस्सा आता है हमारा, तो मेरा 8.25 आता। लेकिन कपड़ा 8 फोल्ड में है तो हम 8 का आधा लेंगे, यानी 4.5 तक हम ले लेंगे यहाँ से 4.5 इंच पे, क्योंकि कपड़ा 8 फोल्ड में है ये। अभी इसको नापेंगे तो ये हमारा 6 इंच पे आ रहा है सर्कल, तो 6-6 इंच पे मैं पूरे में निशान लगा दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो मतलब ये अनारकली कुर्ती बनेगी, जो ये पूरी फ्लोर टच तक नहीं बना रहे हम इसको, इसके साथ हम पैंट या लेगिंग्स लगाएंगे, तो ये हमारी 48 से मतलब 50 इंच तक की बन जाएगी आराम से। तो यहाँ से देखिए, अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे 15 इंच का तो टॉप पार्ट है, 15 इंच टेप को ऊपर निकाल के रखेंगे तो रेडी लेंथ आ रही है इसकी 49 इंच, ठीक है। तो अब यहाँ से इसमें बॉर्डर भी लगेगा 4 इंच का, 3 इंच का, जितना भी होगा, तो हाइट इसकी बढ़ जाएगी। तो इस हिसाब से ही आपको लेंथ लेनी है। ऐसे नाप रहे हैं तो ये 33 इंच आ रहा है हमारा, तो 33 इंच पे हम निशान लगाएंगे एक सर्कल में। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने 33 इंच पे निशान लगा के और इस तरीके से सभी डॉट को एक दूसरे से मिला दिया है। अभी इनको हम कट कर देंगे। यहाँ से ये कमर वाला हिस्सा भी कट कर देंगे। इसको खोल के देखेंगे तो ये देखिए, जितना हमें इसका कमर वाला हिस्सा चाहिए था उतना हमें मिल गया है। घेरा इसका खूब सारा आया है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा टॉप पार्ट। तो ये जो पतली लेस है इसी का हम यूज करेंगे इसमें, क्योंकि चौड़ी वाली नीचे बॉटम के लिए ही काफी है, मतलब वो फिर कम पड़ जाएगी अगर हम इसमें यूज करेंगे, तो इसलिए हम पतली वाली यूज करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने गला भी रेडी कर लिया है। ये देखिए कुछ मैंने अंगरखा टाइप में इसको रेडी किया है, क्योंकि जो चौड़ी वाली लेस थी जो हमने बॉटम पे लगाई है तो बिल्कुल बची नहीं थी, तो इसलिए हमने दोनों आगे और पीछे वाले पर्दे में इसको लगा के रेडी कर दिया था, क्योंकि इससे ही इसका लुक आ रहा था। और इसको मैंने देखिए इस तरीके से लगाया था, मतलब पहले मैंने इसको कट कर लिया पूरी साड़ी में से, क्योंकि अगर हम इसे प्लेट वाला बनाते तो वो लुक नहीं आता। तो मैंने लेस को अलग से लगाया है पूरे ही दोनों आगे और पीछे, और घेरा काफी ज्यादा है। इसी को रख के फिर हमने इसका लाइनिंग भी कट कर लिया था। लाइनिंग के साथ हमने टॉप पार्ट को ऐसे अटैच कर दिया है और ये गला हमारा रेडी हो गया है। यहाँ तक ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट, ठीक है। अब बैक पार्ट देख लेते हैं। बैक पार्ट में जैसे कि मैंने कल रात आपको दिखाया था, ये है इसका पीछे वाला पार्ट, ठीक है। इसके ऊपर भी हमने ये जोड़ दिया है, ये फॉल वाली जगह है, तो इस कपड़े को हम हटा देंगे इसमें से। और ये है इसका गला, ये देखिए ये गला है। इसके साथ भी हमने अच्छे से दोनों प्लेट्स वगैरह सब डाल के और ये इसको अटैच कर लिया है। ये इसकी स्लीव्स हैं। स्लीव्स के लिए हमारे पास सिर्फ इतनी ही लेस बची थी जो हमने गले में यूज़ की है। कुछ थोड़ी सी डिफेक्ट भी है बट इसे ठीक करेंगे हम। तो इन स्लीव्स को हमने थोड़ा सा मतलब खुला रखा है, जो कपड़ा हमारा
बचा था उसी से हमने इनको कट कर लिया है। इस टाइप से हमारी ये स्लीव्स रहेंगी, मतलब पूरी फिटिंग में नहीं है ये, थोड़ी सी यहाँ से फिटिंग लेके यहाँ से ओपन रहेंगी, खुली रहेंगी थोड़ी सी। तो दोनों स्लीव्स हो गई, अब इनका शोल्डर और स्लीव्स को हम लगा लेते हैं, फिर इसमें फिटिंग का काम रह गया है बस। कट कर ली हैं और स्लीव्स फिटिंग देने के बाद मैंने यहाँ से और यहाँ तक जितनी भी आपकी फिटिंग है उस हिसाब से आप नीचे तक बॉटम तक इसकी फिटिंग लगा लीजिए। और साथ के साथ मैंने इंटरलॉक भी इस पर कर लिया है क्योंकि इसमें से धागे बहुत ज़्यादा निकल रहे थे, तो मैंने कमर वाले हिस्से पे भी, मैं आपको इसे सीधा करके भी दिखाती हूँ, घेरा इसका बहुत ज़्यादा आया है। जहाँ पे मैंने लेस को अटैच किया था तो वहाँ पे पूरे में मतलब धागे बहुत निकल रहे थे क्योंकि जॉर्जेट कपड़ा है। तो मैंने क्या किया है, पूरे पे इंटरलॉक किया है, काफ़ी मेहनत का काम है, पर ये फिनिशिंग देना ड्रेस में बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपकी जो ड्रेस है वो बिल्कुल खिल के आती है अगर आप पूरा फिनिशिंग के साथ काम करते हो तो। बस नॉर्मली जैसे मैं अपने गाउन वगैरह में, स्लीव्स वगैरह में ये मतलब फिटिंग वगैरह देते हैं उसी तरीके से फिटिंग दी है। घेरा मैं आपको दिखाई देती हूँ इसका राइट साइड से भी। तो देखिए फ्रेंड्स, घेरा बहुत ज़्यादा है, मैं इसका फाइनल लुक आपको पहन के ही दिखाऊंगी। और फिनिशिंग इसमें इतनी अच्छी आई है, बिल्कुल मतलब कपड़ा साड़ी का था तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इन चीज़ों में फिनिशिंग लाना, बट बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है। पूरा फाइनल लुक मैं आपको इसका पहन के ही दिखाऊंगी। तो देखिए बनने के बाद में, फिटिंग वगैरह लगाने के बाद में, स्लीव्स वगैरह लगाने के बाद में ये इसका फाइनल लुक है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी ड्रेस। अगर आपके पास भी कोई ऐसी हैवी साड़ी है तो आप भी अपने लिए इसको ज़रूर से बनाएं। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी ये ड्रेस रेडी हुई है, बिल्कुल लग नहीं रहा साड़ी से हमने इसको बनाया है। आप चाहें तो इसके साथ ब्लैक कलर की स्लैक्स मतलब ये भी इसके साथ हम पहन सकते हैं, पर मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगी इसके साथ क्योंकि ये थोड़ा सा अनारकली में है तो ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं, ज़्यादा एंकल लेंथ में भी नहीं है। स्लीव्स वगैरह इसके बहुत अच्छे से आए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक कीजिएगा। थैंक यू।